खबर अब आपको बताते हैं कैसे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की एक संस्कारहीन टिप्पणी, अमर्यादित संस्कारहीन टिप्पणी पूरी कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ रही है। कांग्रेस मुश्किल में पड़ गई उनके बयान की वजह से, जवाब देना मुश्किल हो गया। कैसे पवन खेड़ा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय माता पिता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पूरी कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ रही है। बड़ी खबर यह है कि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के माता पिता के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बड़ी खबर यह है कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज से, आपको याद होगा, चार दिन पहले यानी कि 17 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता दामोदर दास मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, उनके नाम का मजाक उड़ाया था। इस पर वो और उनके साथी ठहाके लगाते हुए नजर आए थे, जैसे बहुत बड़ा जोक क्रैक किया हो। मतलब हम कह सकते हैं कि इस तरह ऐसी ओछी भद्दी और संस्कारहीन टिप्पणी को लेकर पवन खेड़ा के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। अब आपको पवन खेड़ा का वो बयान सुना देते हैं, इसके बाद पॉलिटिक्स क्या हो रही है, आज क्या कुछ कहा गया, फिर हम आपको आगे बताएंगे। पहले एक बार वो बयान सुना दीजिए जिसको लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो, जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम, गौतम दास है दामोदर दास है, काम गौतम दास का। अच्छा, इसको लेकर अमित शाह ने क्या हमला बोला था कि दूरबीन से भी कांग्रेस ढूंढने से नहीं मिलेगी, एक बार वो सुना देते जल्दी से। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने मोदी जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, मैं तो समझ रहा हूं ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता की नहीं है, ये बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के स्वभाव के अनुकूल है और उनके द्वारा ये बात देश की जनता के सामने की जा रही है। और बीजेपी भी सवाल पूछ रही है कि प्रधानमंत्री के पिता का अपमान क्या पीछे है गांधी खानदान, सौ बात की एक बात। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त, सौ बात की एक बात का। सौ बात की एक बात में आज रूस की संसद में बोलते हुए पुतिन ने साफ कर दिया कि परमाणु बम का इस्तेमाल करने से वो बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। अपने भाषण के दौरान पुतिन को 40 बार खांसते देखकर दुनिया समझ गई कि पुतिन को गंभीर बीमारी वाली खबरों में दम है। नई रिसर्च में दावा किया गया कि तुर्की से भी ज्यादा ताकतवर भूकंप का बहुत बड़ा खतरा भारत के राज्य उत्तराखंड पर है और आईएमएफ की नई शर्तों से साफ हो गया कि पाकिस्तान को कंगाल होने से अब कोई नहीं बचा सकता।